हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगी ठेर में। आज हम लेकर आए हैं क्लास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 बायो मॉलिक्यूल्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है जैवाणु। तो आज की इस वीडियो में हम एंजाइम्स और विटामिन्स की स्टडी करेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा एंजाइम। क्या होते हैं ये एंजाइम्स? तो कोई भी लिविंग सिस्टम्स हैं, मींस हम लोग हैं जो जीवित जीवधारी हैं, उनके अंदर बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रही होती हैं और उन बायोकेमिकल रिएक्शन से ही उनका जीवन संभव होता है। तो हम सभी जब हमारे अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उनमें केमिकल जो रिएक्शंस हैं उनको संपन्न होने के लिए कुछ कैटलिस्ट की जरूरत होती है, और वो भी कौन से कैटलिस्ट? जो हमारे अंदर प्रेजेंट हैं। तो उन्हीं कैटलिस्ट को हम एंजाइम्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे अंदर जब हम भोजन खा लेते हैं तो उस भोजन का पाचन होता है, डाइजेशन होता है। तो भोजन जब हमने लिया है तो भोजन के पाचन में क्या होगा? सबसे पहले जो भी उसमें भोजन में उपयुक्त पोषक तत्व हैं, मींस उपयुक्त अणु हैं, उन अणुओं का सबसे पहले क्या होना है? अवशोषण होता है, उपयुक्त अणुओं का अवशोषण। उसके बाद में जब उनका अवशोषण हो जाएगा, उनका यूज होना है, प्रयोग होना है, और इन पर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं, और अंत में लास्ट में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो लास्ट में हमें क्या प्राप्त हो गया? ऊर्जा का उत्पादन। तो ये जो रिएक्शंस हैं वो एक डायरेक्शन में चलती हैं, एक सिस्टमेटिक डायरेक्शन में चलती हैं, और जब ये रिएक्शन हो रही होती हैं तो हमारी बॉडी में मध्यम अभिक्रियाएं होती रहती हैं। और फॉर एग्जांपल, जैसे माल्टोज है, माल्टोज मींस ये दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है, तो इसका फार्मूला होता है C12H22O11। ये माल्टोज हो गया। इसका हमारी बॉडी में जब हाइड्रोलिसिस होता है, मींस जल अपघटन होता है, तब ये क्या बनाती हैं? ग्लूकोज C6H12O6। ये क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। और जब ये माल्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोलिसिस के ड्यूरिंग, तब किसकी प्रेजेंस में होता है ये? माल्टेज एंजाइम। ये जो एंजाइम्स होते हैं, साधारणता हम इनको ऐसा कह सकते हैं कि ये गोलिकाकार मींस जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स ही होती हैं एक टाइप की। और इनका जो नेम है, जैसे इसमें माल्टोज में को कौन कन्वर्ट कर रहा है? माल्टेज एंजाइम। तो ये जो नेम आता है वो विशिष्ट होता है, स्पेशल होता है, और ये किसी स्पेशल रिएक्शन के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं। और इनका जो नेम है वो किस पर डिपेंड करता है? उस रिएक्शन पर, या रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है उस पर डिपेंड करता है जिस पर ये वर्क कर रहा है। जैसे इसमें माल्टोज कन्वर्ट हो रहा है तो माल्टोज के नेम पर ही इसका नेम क्या है? माल्टेज। और जो भी एंजाइम होते हैं उनके अंत में एज लगा करके उनका नामकरण किया जाता है। बात करें हम विटामिन्स की, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विटामिन्स। ये क्या होते हैं विटामिन्स? ये शुरुआत में ऐसा माना जाता था
कि ये अमीनो अम्ल होते हैं, अगर हम इनका संधि विच्छेद करें, मींस ये दो वर्ड से पहले मिलकर के माना जाता था, कौन कौन से, वाइटल और एमीन्स। तो ऐसा कहा जाता था कि जो भी विटामिन्स हैं वो क्या हैं, एमीन्स हैं, इनमें जो एमीन है उन्हीं के कारण इनका नेम जो वाइटल एमीन्स रखा गया। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, बाद में देखा गया कि बहुत सारे विटामिन्स ऐसे भी होते हैं जिनमें अमीन नहीं होता, तो इसमें से ए हटा करके और इधर से एल, ए और एल यहां से हटा करके इसका नेम प्रेजेंट टाइम में विटामिन्स हो गया है। अब ये होते क्या हैं? वैसे तो इनकी नीड हमें बहुत ज्यादा होती है और हमें ये सारे के सारे बाहर से ही गेन करने पड़ते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो इनका संश्लेषण मींस इनका अपने आप से ये प्रोड्यूस कर लेते हैं, सिंथेसिस कर लेते हैं, लेकिन हमारी बॉडी कुछ ही विटामिन्स को संश्लेषित कर पाती है, बाकी की हमको बाहर से मींस इन्हीं पेड़ पौधों पर डिपेंड रहना पड़ता है। मींस हम इनसे जो भी भोजन लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, उन्हीं से हमें विटामिन्स प्राप्त होते हैं। और ये जो विटामिन है इनके हमें वैसे बहुत कम नीड होती है, एक इस बहुत ही कम क्वांटिटी ही हमारे लिए पर्याप्त हो जाती है। अगर हम इनका ज़्यादा यूज करें, मींस ज़्यादा मात्रा में इनकी टैबलेट्स आती हैं उनका अगर हम यूज करें तो वो हमारे लिए हानिकारक होती हैं। तो हम कह सकते हैं जो विटामिन्स है उसके लिए कोई एक स्पेशल डेफिनेशन तो नहीं होती, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं विटामिन्स वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो हमारे दैनिक जीवन की क्रियाविधि को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होते हैं और साथ ही साथ हमें बहुत सूक्ष्म मात्रा में चाहिए होते हैं और हमारे जो रोगों की प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने में सहायक होते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल्स जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और के। इनमें से जो बी विटामिन है इनके आर भी दोबारा से इनको क्लासिफाइड किया गया है, कौन कौन से, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B6, B12। तो इसे हम बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं क्योंकि ये किस इन सभी का एक योग है, मींस इन सब का एक सम्मिलित रूप को हम विटामिन बी कह देते हैं, लेकिन ये सारे के सारे अलग होते हैं। अब इन्हें हम दो तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं, कौन कौन से, सबसे पहला है वसा में घुलनशील विटामिन्स, मींस ऐसे विटामिन जो वसा में डिजॉल्व हो जाते हैं, फैट में डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। नेक्स्ट है जल में घुलनशील विटामिन, ये कौन से होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन केवल दो ही होते हैं, कौन कौन से, बी और सी, बाकी इनमें जो भी बचे हैं वो सारे के सारे फैट में मींस वसा में घुलनशील होते हैं, जैसे ए, डी, ई और के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो विटामिन्स हैं उनके क्या क्या सोर्सेस होते हैं और उनसे उनकी अगर कमी हो जाए तो क्या क्या रोग हो सकते हैं या क्या क्या बॉडी में कमी हो सकती है। तो पहला विटामिन है ए,
जिसके सोर्स हैं, मतलब स्रोत किस किस में ये पाया जाता है, जैसे गाजर है, मक्खन है, दूध, मछली के यकृत का तेल, इन सभी में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और अगर इसकी कमी हो जाए तो आंख के कार्निया का कठोरीकरण, मीन्स जो हमारी आंख है उसमें कार्निया है वो कैसा हो जाता है, कठोर हो जाता है, और रात्रि अंधता। नेक्स्ट है B1, जिसका जो रासायनिक नाम है वो थायमीन होता है। इसके सोर्सेस होते हैं खमीर, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, और इसकी कमी से रोग हो जाता है बेरी, जिसमें भूख कम लगती है। नेक्स्ट है विटामिन B2, जिसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन, जिनके सोर्स हैं दूध, अंडे की सफेदी, यकृत, गुर्दा, और अगर इनकी कमी हो जाती है बॉडी में तो मुंह व होंठों के किनारों पर दरारें पड़ने लगती हैं। नेक्स्ट है विटामिन B6, जिसका रासायनिक नाम होता है पाइरिडॉक्सिन। इसके सोर्सेस की बात करें तो खमीर, दूध, अंडपीत, दालें, चना, इन सभी में विटामिन B6 खूब पाया जाता है, और इसकी कमी से मरोड़ पड़ने लगती है, हमारी बॉडी में मरोड़न सी होने लगती है। नेक्स्ट है विटामिन B12, जो कि मांस, मछली, अंडा, दही, दूध, इनमें खूब प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और इसकी कमी से जो रेड ब्लड सेल्स हैं, मींस लाल रक्त कणिकाएं हैं, उनमें हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है। नेक्स्ट है विटामिन सी, जिसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि खट्टे पदार्थों में खूब पाया जाता है, जैसे नींबू है, आंवला है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, मौसमी है, जितने भी खट्टे फल हैं उनमें विटामिन सी खूब पाया जाता है, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जिसमें मसूड़ों से रक्त बहता है। नेक्स्ट है विटामिन डी, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो है कैल्सिफेरॉल। इसकी कम जो सोर्स हैं वो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में मिलता है, और मछली है, अंडे की पीतक है, आदि चीज़ें, और इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, जिसमें बच्चों की जो अस्थियां हैं उनमें विकृतता आ जाती है, मींस वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। नेक्स्ट है विटामिन ई, जो कि मोस्टली तेलों में पाया जाता है, जैसे सब्जियों के तेल हुए, मूंगफली, सूर्यमुखी आदि के तेल, और इसकी कमी से जो रेड ब्लड सेल्स हैं, मींस लाल रक्त कणिकाएं हैं, उनकी भुरभुरेपन में वृद्धि हो जाती है, और मांसपेशियों में कमजोरी होने लगती है, और त्वचा हमारी रूखी होने लगती है। नेक्स्ट है विटामिन के, ये हरे पत्तेदार सब्जियों से हमें खूब प्रचुर मात्रा में मिलता है, और इसकी कमी से हीमोफीलिया नामक एक रोग हो जाता है, जिसमें रक्त का थक्का बहुत देरी से बनता है या बहुत कम बन पाता है, जिससे रक्त बहना नहीं रुकता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।